तो क्योंकि वुमेंस डे आ रहा है तो सभी दर्शकों को हैप्पी वुमेंस डे एंड अच्छा लग रहा है आज अवार्ड मिलने जा रहा है एंड एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है जब आपके काम को पसंद किया जाता है और लोग समझते हैं कि यू अचीव समथिंग तो जब इसका रिवॉर्ड मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है वुमेंस डे रोज़ मनाना चाहिए, हम रोज़ काम करते हैं, एक दिन थोड़ी ना काम करते हैं, सो सेलिब्रेट अस एवरी डे, इट्स इम्पोर्टेंट। जी उनके लिए खास वुमेंस डे पे उनको क्यों याद किया जा रहा है, मैं वही तो कह रही हूँ कि आई जस्ट से मे हर सोल रेस्ट इन पीस। ऑफ कोर्स वो हमारे बीच नहीं है, इट्स अ लॉस टू द इंडस्ट्री, बट अब इस मामले को इट शुड जस्ट बी लेफ्ट एट पीस व्हाट आई फील। ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल एफर्ट नहीं गया है इसमें, सो थैंक यू। वुमेंस डे तो खास है सिर्फ इसलिए नहीं कि आज वुमेंस डे है, वुमेंस डे मेरे लिए खास है बिकॉज आई फील दैट मेरे लिए तो एवरी डे इज़ वुमेंस डे, मैं एक दिन का कॉन्सेप्ट नहीं समझती हूँ बिकॉज आई सेलिब्रेट ईच एंड एवरी डे ऑफ माइन कि आज दिस इज़ स्पेशल फॉर मी, और एक दिन तो डेडिकेट होना चाहिए अवार्ड देने के लिए, तो मे बी दिस डे इज़ डेडिकेटेड ओनली अवार्ड। ऑब्वियसली याद किया जा रहा है और इसके बारे में हम बता भी चुके हैं, दिस वॉज वेरी सैड, दिस वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड शी विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। वो मुझे लगता है कि मॉल इज़ अ वेरी गुड प्लेस, अच्छी जगह है एक पैड वेंडिंग मशीन लगाने के लिए, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटा के लोग आते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड रिच एंड फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो किसी को देख के दूसरे लोग सीख जाएंगे कि शर्माने की बात नहीं है, इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव इट एट योर हैंड जस्ट गो ग्रैब इट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए, तो दिस अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एक बार यहाँ सक्सेसफुल हो जाए तो मुझे लगता है हमारे देश के हर कोने में लगा देना चाहिए बिकॉज विमेन इज देयर एवरीवेयर। सभी दर्शकों को देबिना की तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। यस स्पेशल डे है ही, वुमेंस डे है तो डेफिनेटली स्पेशल डे है, और वुमेन है ही जो हम औरतें हैं, हम हैं ही स्पेशल, और बहुत खुशी होती है जब आपके आपकी सोच को सराहा जाता है और आपको बोला जाता है कि आपने जो लाइफ में किया है अच्छा किया है, आगे बढ़ते रहिए। और मैं भी सारे सारी औरतों को यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ते रहिए, हम में बहुत ताकत है, बस अपने आप में बदलाव लाने की बारी है, वी हैव द पावर बट वी शुड हैव द विल एज वेल, दैट्स ऑल। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, आई नो आफ्टर द मूवी, ग्रेट मूवी पैडमैन, ये और ज़्यादा लोगों ने इस बारे में एक्शन लेना शुरू किया है, इट्स सच अ नाइस इनिशिएटिव कि अब एक कॉइन से आपका काम हो जाए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और अब मॉल में हो आप, थिएटर में हो आप, कहीं भी, इनफैक्ट मैं तो चाहूँगी कि हर जगह ये फैसिलिटी लेडीज़ को प्रोवाइड कराई जाए, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। आई हैव नो वर्ड्स, जैसे कि मैंने मेरे ट्वीट में लिखा था, आई एम स्पीचलेस, और जब हम ये महसूस कर रहे हैं तो उनकी फैमिली क्या फील कर रही होगी, हम इमेजिन भी नहीं, बातें बनाना, बहुत सारे स्टोरीज़ कुक करना बहुत इजी है, बट उनके फैमिली पे क्या बीत रही होगी हम में से कोई नहीं समझ सकता, समझ ही नहीं सकता है, इवन इफ़ वी से वी अंडरस्टैंड वी विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन आउट देयर।